नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ चुके हैं तो राजस्थान बोर्ड में 12वीं कॉमर्स और विज्ञान के नतीजों का ऐलान किया जा चुका है। इन नतीजों में सरकारी स्कूलों को दी जाने वाली तालीम को लेकर सवाल खड़ा हो चुका है। राजस्थान बोर्ड की मेरिट में एक भी सरकारी स्कूल शामिल नहीं था तो सीबीएसई के नतीजों में सरकारी स्कूलों के परिणाम का प्रतिशत भी काफी नीचे रहा। ऐसे में सरकारी स्कूलों पर हर साल खर्च की जाने वाली करोड़ों की रकम को लेकर भी सवाल खड़ा होता है। इसकी अपेक्षा निजी स्कूलों के लिए मिलने वाले संसाधनों की बात होती है और एक चर्चा का सवाल ये भी है कि आखिर टॉपर किस तरह से तैयार किए जाते हैं, टॉपर बनने का फॉर्मूला कौन तय करता है। हर सवाल को समझा जाएगा। खास मेहमानों के साथ बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए बिग फाइट। सवाल सभी का है, टॉपर स्कूल की बात हो या फिर विद्यार्थी स्टूडेंट्स की बात हो, टॉपर कैसे बना जा सकता है। बात होगी शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष त्रिलोक सिंह जी हमारे साथ हैं, राजस्थान युवा शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रघुराज शर्मा जी हमारे साथ हैं, अभिभावक ज्योति चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की छात्रा रही पूर्वी चतुर्वेदी और यशवी जैन बातचीत में हमारे साथ होंगे। राजस्थान बोर्ड 12वीं की कॉमर्स और विज्ञान के नतीजे जारी कर चुका है तो सीबीएसई की तरफ से भी 12वीं क्लास के परिणाम आ चुके हैं तो 10वीं के भी नतीजे जारी हो चुके हैं। इन नतीजों पर अगर गौर किया जाए तो निजी स्कूल और लड़कियों का परिणाम बेहतर रहा है। सीबीएसई की 10वीं के नतीजों में केंद्रीय स्कूलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय के 96.01% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और मात्र 65.30% विद्यार्थी ही सफल हो पाए। निजी स्कूलों के छात्रों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा और यहां के 91.47% बच्चे परीक्षा में सफल हुए, लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत ने सबको पीछे छोड़ते हुए 96.92% परिणाम दिए। इसके उलट अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों की बात की जाए तो यहां 12वीं विज्ञान और कॉमर्स के नतीजों की मेरिट लिस्ट में एक भी सरकारी स्कूल शामिल नहीं था। दोनों ही वर्ग की राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के टॉप 10 80 छात्र छात्राओं ने स्थान बनाया, पर इनमें एक भी बच्चा सरकारी स्कूल का नहीं था। हैरत की बात यह है कि देश में बीते 10 साल में 6 राज्यों में शिक्षा पर 5,86,085 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस राशि का 80% हिस्सा शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण पर खर्च किया गया, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इससे यही साफ होता है कि नीति में कुछ बड़ी खामी है। वहीं सवाल टॉपर्स का भी है, आखिर टॉपर बनने का क्या फॉर्मूला है, क्या माहौल के साथ कुछ और भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं? स्कूल टीचर की इसमें कितनी भागीदारी होती है और मेरिट में आने वाले बच्चे किसे क्रेडिट देते हैं? सबसे पहले यशवी और पूर्वी आपको बहुत बहुत बधाई इस परिणाम के लिए। जानना चाहेंगे, यशवी सबसे पहले आप ही के पास आ रहे हैं, जानना चाहते हैं कि नतीजे बेहतर आए लेकिन इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए मेहनत करी गई, कड़ी मेहनत करी गई और सपोर्ट था मम्मी पापा का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का। अच्छा, पढ़ाई के साथ मेहनत और विल पावर होनी चाहिए। कहते हैं कि मेरिट में आने के लिए इतना घंटा पढ़ो, इतना करो, ये करो, वो करो, तो वो डे शेड्यूल क्या रहा आपका? मैंने कभी घंटों के हिसाब से शेड्यूल नहीं बनाया अपना। मैं कोशिश करती थी कि जो भी स्कूल में पढ़ाया जाए वो सेम टू सेम मैं घर में आके दोबारा पढ़ूं अच्छे से, और कोई प्रॉब्लम है तो टीचर से वापस बोलूं। रिवीजन हुआ आपका और कुछ क्वेरीज हुई तो अगले दिन टीचर से कंसल्ट हुआ? हाँ। और टीचर्स ने सॉल्यूशन दिया भी आपको? हाँ, बिल्कुल। चलिए पूर्वी, आपसे भी वही सवाल है, जानना चाहूंगा कि तैयारी किस तरह से रही आपकी? मेरी भी तैयारी, मैंने पढ़ाई बिल्कुल रेगुलरली करी और कोई भी उसी टाइम जो भी मुझे डाउट आता था वो मैं टीचर्स से पूछ लेती थी, तो उसी टाइम मेरा डाउट क्लियर हो जाता था ताकि वो मैं मन में अपने साथ लेकर ना जाऊं और जो भी मैं पढ़ूं एकदम मुझे अच्छे से समझ आता है जी। इस बीच में ज्योति जी, आपसे जानना चाह रहे हैं, बच्चों को तैयार करने के लिए कोई खास मेहनत आपकी तरफ से हुई? मेरी मेहनत
इतनी थी कि बस बच्चों को जहाँ उनका इंटरेस्ट है, जो वो करना चाह रहे हैं उसमें उसमें उनको पूरा मैंने सपोर्ट दिया। जहाँ उनको एजुकेशन में कोई कमी महसूस हुई वहाँ उनके लिए अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करने की कोशिश की। उनको कहीं कोई कोचिंग के लिए जाना है या उनकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें उन्हें आगे मुझे लगता बच्चों है बच्चों की कोचिंग का रोल रहा यहाँ कहीं? नहीं, कोचिंग स्कूल की ही है। स्कूल में जो ये पढ़ते थे उसी को ये रेगुलरली करते थे। अब कोचिंग में ये है कि इनको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कोई गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्स्ट्रा समझना चाह रहे हैं, तो वो प्रोवाइड करने के लिए आसपास जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे जानकार हैं, जिनसे हमें लगता है कि हाँ ये इनको अच्छे से समझा पाएंगे, तो वहाँ इनको लेके जाना, समझाना या टीचर्स के साथ डिस्कशंस करना कि कहाँ बच्चे में कोई कमी है। तो अदरवाइज आपको लगा कि आपकी बेटी के लिए स्पेशल फोकस किसी जोन में आपको रखना पड़ा हो? नहीं, ये हमेशा से ही बहुत स्टूडियस बच्ची रही है। शी इज़ ऑलवेज हमेशा क्लियर रहे कि मेरे को जो करना है वो मैं कॉन्सेप्ट समझ के करूँ जी। तो उस प्रोसेस पे चल के शी अचीव्ड व्हाट शी गॉट टुडे। स्कूल और माहौल, टीचर्स, इनका क्रेडिट? जी बिल्कुल, मैं तो इनके टीचर से जब भी मिलती हूँ यही कहती हूँ कि वो जो आज हैं वो सब टीचर्स की वजह से हैं। बिकॉज हम तो अब आजकल के टाइम के साथ चलने के लिए, इनके लेवल की पढ़ाई को समझने के लिए हम अभी बहुत पीछे हैं ऐसा महसूस होता है। तो जो इनकी टीचर्स इनको गाइडलाइन दे रही हैं, समझा रही हैं, जो ये स्कूल में अपना समझ के आ रहे हैं जी, उसी पे ही इनका आज का रिजल्ट। त्रिलोक सिंह जी, इस बीच में मैं आपका रुख करना चाहूँगा, एक सवाल आपसे भी है मेरा कि जो स्कूलें हैं आज हमारी, उनको लेकर अलग अलग राय क्यों? स्टैंडर्ड स्कूल का प्राइवेट स्कूल को देखें तो उसमें भी होता है, सरकारी स्कूलों से भी तुलना होती है, ऐसा क्यों है, फ़र्क क्यों आता है, तुलना की वजह क्यों? अश्विनी जी, मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, जैसा कि आपने स्टैंडर्ड की बात की है, तो निजी शिक्षण संस्थाओं का जो स्टैंडर्ड है कंपेरेटिवली गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो वेटर नहीं वेस्ट होता है। कारण उसकी वजह जानना चाहूँगा। वजह ये रही है कि जैसा आप देख रहे हैं कि CBSE स्कूल्स की जहाँ बात करें, उनकी नंबर्स की बात करें, एक तो वो स्कूल्स जो है सिटी लेवल पर जो है हेडक्वार्टर्स पर अवेलेबल हैं, उनकी संख्या हमारी जो विद्यालय जो लगभग 10,000 विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उनकी कंपेरिजन में मात्र 1% उनका परसेंट है। 100 विद्यालय से ज़्यादा विद्यालय पूरे राजस्थान में CBSE के नहीं होंगे, गवर्नमेंट के। अब यहाँ एक दूसरी बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, आप कहेंगे कि निजी विद्यालय भी तो हैं CBSE के, तो उनकी अगर संख्या को भी आप काउंट करें तो वो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं और अच्छे कस्बों में इन्हें कहा जा सकता है कि वहाँ शिक्षा उपलब्ध है। मैक्सिमम अगर परसेंटेज की बात करें तो वो 10% उनका बनेगा, हमारा 10 गुना उससे ज़्यादा है। वातावरण की जहाँ बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक रिसर्च का जिक्र करना चाहूँगा, अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव थिंक टैंक है, उसका रिसर्च आया, उस रिसर्च के मुताबिक निजी स्कूलों को अगर कंपेयर किया जाए सरकारी स्कूलों से, तो निजी स्कूलों में पर स्टूडेंट का खर्चा कम है सरकारी स्कूलों की कंपेरिजन में, सरकारी स्कूल में एक छात्र पर पैसा ज़्यादा खर्च किया जाता है। सुनी जी, ये जो बात कह रहे हैं कि वो उस बात का इस बिल्कुल, ये मैं समझ रहा हूँ मेन पॉइंट से डाइवर्ट हो रहे हैं कि मेन पॉइंट ये नहीं, मेन पॉइंट ये है कि यहाँ जो बच्चा अध्ययन रहता है, जैसा कि आप देख रहा कि इन बच्चियों को मैं बधाई देना चाहूँगा और इनके गार्जियन आपके बीच मौजूद हैं, आपने देखा कितनी एक्टिव है, इन्होंने इनकी पढ़ाई को लेकर के कितना डिवोशन शो किया। हमारे यहाँ जो गार्जियन की स्थिति है, यहाँ 100% लिटरेट गार्जियन है, वहाँ इलिटरेट गार्जियन है। हम कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो बच्चा आ रहा है, हाँ, तो वो बच्चा जो है लर्निंग लोएस्ट ग्रुप का है और यहाँ बच्चा हायर क्लास और मिडिल क्लास का है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि वातावरण के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए एक अच्छा वातावरण पाया जाना बहुत जरूरी है। वहाँ ये सारी चीज़ें आप कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। और माहौल भी तो जिम्मेदार होता है कहीं, माहौल है ना, तो उसकी जहाँ बातें आप ये जैसा कि आप कह रहे हैं जो बातें आ रही हैं परिणाम को लेकर के, हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा सुनी जी, आंकड़ों को आप इतिहास के पन्नों को खकोलिए, वो पूर्व में एक स्थिति ये रही थी कि मध्यम वर्ग का हमसे रिश्ता हुआ करता था। वंस अपॉन ए टाइम जयपुर के जो 4 अच्छे विद्यालय जिन्हें फैक्ट्री के रूप में माना जाता था, दरबार है, पौधार स्कूल है और आपका जो माड़क चौक स्कूल है, यहाँ पर वो जो है अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ा करते, उस समय हमारा संबंध था। उन आंकड़ों को मंगाइए तो मेरिट गवर्नमेंट स्कूल से भी दी जाती रही है। अब उस मानसिकता में इतना परिवर्तन हो गया कि आप आंकड़े कलेक्ट कर लीजिए, इवन सिंगल कोई लोअर क्लास का बच्चा भी अगर 4th क्लास भी ये कोशिश कर रहा है कि उसकी जो इकोनॉमिक पोजिशन पुअर नहीं पुअरेस्ट होती है और वो भी इस तरह के साधन जुटाने की कोशिश करता है, वो मानसिकता का शिकार हुआ है। ह्यूमन बींग्स आर द इमिटेटर्स,
इमिटेशन में डिमेरिट और मेरिट की बात को नहीं देखा जाता है, देखा यह जा रहा है कि वो फोर्थ क्लास में ये कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई के उसका बच्चा भी सीबीएसई में शिक्षा। आपको मूल वजह क्या लगती है? यही लगती है कि घर वालों की जो परवरिश है वो सब जगह बेहतर होती है, लेकिन ध्यान कम से कम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों का कम होता है? पर कम नहीं, बहुत कम होता है। यहाँ पर अगर बच्चा आएगा घर पे तो मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, शायद इनका ये क्वेश्चन बच्चे से होगा कि बेटे आपका होमवर्क क्या है, क्या हमें मुझे हम उसमें क्या मदद करनी है, क्या क्या आपको काम कराया गया। हमारा बच्चा जब घर पर पहुँचता है तो उससे पूछता है, उसके माँ बाप ये कहते हैं बेटे ये काम, अगर उसकी लड़की की माँ ये कहेगी बेटे तुझे ये काम में हाथ बटाना है, लड़के का बाप ये पिता ये कहेगा कि तुम्हें ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसमें तुम्हें मदद करनी है, ये स्थितियाँ। अगर बच्चा अंग्रेजी पढ़ के और उर्दू का बता रहा है कि मैं उर्दू पढ़ के आया हूँ तो गार्जियन विल बिलीव, ये चीज बहुत बेचारनी बात है। बातें जो आ रही है, हम लेवल की बात एक बड़ा बेसिक जो फर्क है वो हमारी इस नजर में किया जा सकता है। रघुराज जी आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा और उत्तर जानना चाहूंगा, फर्क की वजह आप क्या टटोलते हैं? मेरे हिसाब से भी राजस्थान बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो मोस्टली 90% के लगभग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। रूरल एरिया के कारण वहाँ के जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं छात्र छात्राओं के, वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। दूसरा कारण, सरकारी स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी सिर्फ स्कूल तक ही सीमित हैं, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग वगैरह नहीं मिल पाती है, जबकि सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा कोचिंग भी मिलती है। इसके अलावा उनके जो गार्जियंस हैं, जैसा मैं सहमत हूँ त्रिलोक जी ने जो कहा उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जो गार्जियंस हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं बजाय बच्चों के, बच्चों को पार्टिसिपेशन बेहतर होता है, बेहतर होता है उनका। जबकि हमारे जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं बच्चे की स्टडी के बारे में कि वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। यहाँ तक भी कई बार ऐसी स्थिति है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ कि कई बार स्टूडेंट के बारे में गार्जियंस को ये पता नहीं है कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में बेहतर परिणाम कैसे प्राप्त हो पाएगा। इसलिए इस स्थिति से निपटने के लिए मेन बात यह है कि हमें भी सीबीएसई के जो पैटर्न है उन पैटर्न को भी पूरी तरह वैसे ही अपनाना पड़ेगा और एटमॉस्फेयर भी उसी प्रकार हमें उपलब्ध करवाना पड़ेगा। चलिए सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के पैटर्न की बात यहाँ पर निकल कर आती है कि दोनों बोर्ड्स के पैटर्न में फर्क है, ये पैटर्न में फर्क क्या है, टॉपर बनने का फॉर्मूला क्या है और किस तरह से बेहतर नतीजों को हासिल किया जा सकता है, चर्चा को जारी रखा जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक पर जा रहे हैं, बिग फाइट लाइन। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा बहुत अच्छी हो सकती है अगर वहाँ के शिक्षक अपना ईमानदारी से अपना जो रोल होता है और एक अपना कर्तव्य समझ के अगर वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर शिक्षा बहुत ही अच्छी हो सकती है। माँ बाप के साथ अध्यापक को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप अगर ABCD सिखाते हैं बच्चों को तो अध्यापक उनमें सेंटेंस बनाना और उसको आगे उनको रास्ता दिखाना कि वो किस रास्ते में जाए तो उनको आगे सफलता मिलेगी, और सफलता की सीढ़ी भी अगर अध्यापक ही देते हैं ठीक है, उनको सहारा देने के लिए पीछे माँ बाप रहते हैं। मेरे अब हम 90% हैं और बड़ा ही प्रसन्न है मेरा मन, और इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य और मेरे जीवन गुरु डॉक्टर सैनी जी को देना चाहता हूँ और सब टीचर्स को देना चाहता हूँ। आई एम स्टडिंग इन KV पट्टन शिफ्ट 1। आई गॉट 99% इन द बोर्ड एग्जाम, CBSE बोर्ड एग्जाम। एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस मच मार्क, इवन मीन्स आई गॉट कंग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑल माई टीचर्स एंड दे ऑल आर सेइंग दैट इट्स अ रियली गुड थिंग। So I'm really happy about this. टीचर्स ने तो बहुत हेल्प किया है, रेगुलर बेसिस पे वो डाउट्स क्लैरिफाई कर देते थे, सैम्पल पेपर्स देते थे करने को, फिर चेक भी करते थे कि सही है गलत है, तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प थी मुझे, इसीलिए ये हो पाया। ऑफकोर्स मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल थे, स्कूल का फैकल्टी इतना अच्छा था, फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, इन्हीं को मैं देना चाहूँगी।
इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, बोर्ड परीक्षाओं के अच्छे नतीजों के लिए क्या स्कूल और माहौल को जिम्मेदार बताया जा सकता है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर #topper के जरिए आप अपनी राय फर्स्ट इंडिया तक पहुंचा सकते हैं। एलसी जैन साहब जयपुर से और धर्मेंद्र कुमार साहब कामा से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। जैन साहब, आपकी राय जानना चाहेंगे। आज के संदर्भ में जो ना जी। एक जो है एससी एसटी कॉर्पोरेशन का उद्घाटन होने वाला था, हरदेव जोशी साहब जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बात कही थी उद्घाटन के वक्त, बहुत अच्छा कहा था। उन्होंने कहा कि अगर वकील का जो है क्लाइंट जो है समझदार है तो वकील की जिम्मेवारी कम हो जाती है, और वकील का क्लाइंट अगर जो है ना समझ है तो वकील की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो आज ग्रामीण परिवेश के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि जो है ग्रामीण परिवेश का अगर मान लो कमजोरी है तो सरकार की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। और शहर के अंदर भी जो है ये जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके कारण जो है बहुत से बच्चे पिछड़ जाते हैं और जो है इसके चीटिंग भी जो है प्राइवेट जो है लोग चीटिंग भी करते हैं इसके अंदर। तो मेरे विचार से जो है ना सरकार को इस ओर जो है ध्यान देंगे तब जाकर के जो है हम सरकार का ध्यान देना जरूरी है। शुक्रिया आपका जैन साहब। धर्मेंद्र कुमार साहब, आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, दोनों बेटियों को बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू जी। सर मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है, अगर सभी टॉपर विद्यार्थी मिल जाएं, पढ़ने में होशियार हो, उनका एजुकेशन अच्छा हो, सबकी अच्छी हो, तो फिर ग्रामीण तबके के बच्चों को जिनकी बुद्धि कम है, इनके मम्मी पापा ध्यान नहीं दे सकते, उनका विकास कैसे होगा? ये सब टीचर या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जी धर्मेंद्र साहब, आपकी भी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिलोक जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे जो धर्मेंद्र जी ने कहा कि अगर परिजनों का ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर स्कूल का क्या, टीचर्स का क्या? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य ये नहीं था, मेरा कहने का तात्पर्य भी ये नहीं था कि अभिभावक का ही अपना जैसे होना चाहिए, लेकिन जो साइड का सपोर्ट है वो एक्सपेक्टेड जो है वो तो मिलना ही चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा। दूसरा, मैं पहले एक दौर था जिस इतिहास का आप जिक्र करते हैं, वहाँ टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ घर तक रिलेशन होता था, कोई टीचर स्कूल नहीं पहुँचा, जिस दौर की आप बात करें टीचर घर पहुँच जाते थे मिलने, और ऐसे में कम्युनिकेशन जो था उसमें दोहरी जिम्मेदारी होती और बेहतर नतीजे निकल कर आते थे। यहाँ मैं आपसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन व्यवस्थाओं में जैसा कि आप जानते हैं ये 770 परिवर्तन संसार की व्यवस्था है, परिवर्तन यही नहीं सब जगह हुए, स्पिरिट्स ऑफ दी वर्क को लेकर की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये इसके लिए व्यवस्थाएँ ज़्यादा दोषी हैं न कि देखा जाए। आपने देखा आजकल हमें पढ़ाया भी जाता है, एक हमारा पेपर होता है एजुकेशन साइड, स्पेयर द रॉयल स्पॉइल द चाइल्ड, डंडा छूटा बच्चा बिगड़ा, बहविन प्रीतन हो गुसाई, ये रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने। आज ये स्थिति है कि फिजिकली हम बच्चे को टच नहीं कर सकते कहीं भी, अगर पेनलाइज प्रॉपर भी नहीं उसे किया जा सकता, सारी स्थितियां ऐसी बन गई हैं। आपको ये चलिए दोनों बच्चों से जान लेते हैं। यशस्वी, आप इस मत से सहमत है कि जो टीचर फोबिया या जो फियर है वो फैक्टर कहीं काम करता है, पढ़ाई का डर रहता है? बिल्कुल, मैं बहुत सहमत हूँ। पहली बात तो जब तक हम टीचर से डरते रहेंगे हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते जी। तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि वहाँ डर नहीं होना चाहिए लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ताकि हम एक डर इस बात का कि कल को मैंने अपना रिवीजन नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, क्लास को फेस कैसे करूंगी, इतनी स्ट्रिक्टनेस जरूर होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि बच्चा डर के मारे टीचर से कोई क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं कर पाए, नहीं तो फिर वो डाउट अपने मन में ही रख लेते हैं और फिर हम आगे की पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते। चलिए मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ। दो दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, इंद्र ओझा साहब बीकानेर से और खालिद कुरैशी साहब भी बीकानेर से हमारे साथ है। ओझा साहब नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। पहले तो मैं दोनों बच्चियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आगे भी ऐसे ही आगे बढ़े और देश का नाम ऊंचा करें। थैंक यू। और परीक्षा, ये जो शिक्षा का जो मसला है आज आपने जो डिबेट में ले रखा है, देखिए इसमें हम किसको जिम्मेदार ठहराएं, ये प्राइवेट स्कूल में कम्पिटिशन, जिम्मेदारी के साथ साथ एक बात और है ओझा साहब की, टॉपर बना कैसे जाए जी, टॉपर बना कैसे जाए, सवाल दोनों चीजें हैं।
देखिए 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 बारिक जी, बारिक साहब ऐसा इसमें ऐसा है जी। इसमें अभी जैसे ये साहब बता रहे थे कि विभागों के जिम्मेदारी होती है, सरकारी स्कूल के अंदर हम ये जानते हैं कि देखिए मजदूर आदमी का, गरीब आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, और प्राइवेट स्कूलों में गरीब आदमी का बच्चा संभव नहीं है कि वो पढ़ा सके, क्योंकि इतनी फीस वो नहीं दे सकते। आज जो स्थिति जो सरकारी स्कूलों की है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी में सरकार से बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, बरसों से इस डिपार्टमेंट पर सरकार का कभी ध्यान नहीं जाता, नहीं कभी गौर किया जाता, नहीं इनको शिक्षा के अंदर संसाधन इतने दिए गए हैं, गांवों के अंदर तो हालत ऐसी है कि स्कूलों को आप देखे तो वहां मतलब खड़े आप 5 मिनट परीक्षा नहीं रहते, ऐसी स्कूलें मैंने देखी है गाँव में। तो सरकार को इस तरफ करोड़ों रुपया शिक्षकों की तनख्वाह पे व्यय होता है, लेकिन उसका परिणाम अदा में जिम्मेदारी किसी की तय नहीं की जाती, तो इसमें जिम्मेदारी तय होना बहुत जरूरी है, इससे बिल्कुल जी। धन्यवाद आपका। खालिद साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार सर, टॉप में रहने वाले सभी बच्चों को बधाई शुभकामनाएं बहुत बहुत जी। सर स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें बेहतर माहौल बनाने की जिम्मेदारी टीचर की होती है, घर की होती है, माँ बाप की जी। सभी को मैं थोड़ी दोनों तरफ से आपको लगता है जिम्मेदारी ठीक से निभे तो टॉपर बना जा सकता है जी। चलिए मैं पूर्वी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि टॉपर बनने का कोई और स्पेशल फॉर्मूला है आपके पास? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और टीचर्स का तो रोल रहता ही है, पर एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो था हमारे फ्रेंड्स का भी रोल, जो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जो हमारे बीच में चलता है कि एक दूसरे के बराबर आने का या एक दूसरे से आगे निकलने का, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें सेल्फ मोटिवेशन देता है और हमें ये मतलब ये मोटिवेट करता है अंदर से कि हाँ हम भी कर सकते हैं और उसको देखकर हमें भी करना चाहिए। तो यशवी जी, मुझे लगता है इसने जो फ्रेंड्स की बात करी वो बिल्कुल सही है, अगर कंपटीशन हेल्दी है तो वो आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है, लेकिन जब वो अनहेल्दी होना चालू हो जाता है तो वो आपको बहुत गिरा भी सकता है। तो हेल्दी कॉम्पिटिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एग्जाम या कॉम्पिटिशन में, और उस कंपटीशन के साथ हमें पढ़ने में इतने मजे आने लग जाते हैं कि हमको वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती, वो बर्डन नहीं लगता हमें पढ़ने में। चलिए ये खूबसूरत सी बात है। और ज्योति जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बीच में? जी मेरा ये मानना है कि सीबीएसई ने अभी जो नया सिस्टम निकाला है ये सीसी पैटर्न का जी। उसमें अभी भी मुझे ये फील होता है कि ये जो 10/10 CGPA की बात करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चे जो 9.6, 9.7, 9.5 तक आए हैं उनका भी कहीं ना कहीं मन हतोत्साहित हो जाता है, क्योंकि हमारा बेसिक एम इस चीज़ को लाने का यही था कि हम बच्चों को वो 99% 99.2% पे बच्चों को निराश ना होने दें, बट इस पैटर्न पे भी आके बच्चे निराश हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है वो 9.8% से हमारा 10 CGPA रह गया। तो वो जो चीज़ है ना वो अभी भी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक आपका 90% है, यू आर ऑल टॉपर्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। कोई टॉपर का कोई मतलब आगे चल के टू गेट अ 10/10 CGPA इज नॉट अ टॉपर। आप कहाँ फेस कर रहे हो, आप में कितनी बोल्डनेस है चीज़ों को हैंडल करने की, कितना आप फेस कर पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में आगे। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि जो CCE पैटर्न है वो मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें अकेडमिक्स के अलावा को करिकुलर्स को भी ध्यान में रखते हुए वो रिजल्ट तय करते हैं, जिससे बच्चे का असली कैलिबर समझ में आता है, सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पर नहीं उसको टॉपर घोषित किया जाता। मतलब आप बोलने में कैसे हैं, आप और एक्टिविटीज में कैसे हैं, ये भी मायने रखता है, तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, सिर्फ किताबों में स्कूल प्राइवेट जिंदगी में एनवायरमेंट वैसा दे रहे हैं बच्चों को। चलिए एनवायरमेंट की बात है, रघुराज जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ, क्या वो माहौल सरकारी स्कूलों में दिया जा सकता है, क्या टीचर्स जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं वो जिम्मेदारी तरीके से उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई कमी नहीं है, सरकारी विद्यालयों के जितने भी अध्यापक हैं पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी कैपेसिटी और क्वालिटी और अपनी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हैं और तैयार रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी मेरिट आया करती थी और अभी भी आती है, लेकिन मेरा विचार जो थोड़ा अलग है कि मेरिट आना एक अलग चीज़ है और एक क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करवाना एक अलग चीज़ है। मान लो 90% पर मेरिट गई है और एक बच्चा एक नंबर से मेरिट से रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें क्वालिटी है, लेकिन कारण एटमॉस्फेयर माहौल की बात है, वो माहौल बेहतर कैसे बनाया जा सकता है वही जानना चाह रहा हूँ। माहौल का भी नहीं है, मोमेंट का भी, आप एग्जाम देते वक्त उस मोमेंट में आप थोड़ा सा घबरा गए, आपका
दैट डजंट मीन कि आपको आता नहीं था या आप कर नहीं सकते। मेंटली स्ट्रांग बनाने की भी बात है और टीचर का रोल उसमें होता है पूरा। मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए तो यही है कि पहले जैसे टेंथ बोर्ड हमारे राजस्थान बोर्ड में टेंथ से स्टार्ट होती है, तो पहले आठवीं बोर्ड हुआ करती थी, उससे बच्चा प्रिपेयर हो जाता था। पहले प्री बोर्ड भी थी, प्री बोर्ड में भी बच्चा थोड़ा प्रिपेयर हो जाता था कि साहब मुझे बोर्ड एग्जाम देनी है। लेकिन आज और क्या सरकारी स्कूलों में बेहतर माहौल कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए तो मेन गवर्नमेंट को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अध्यापकों को मेन बात यह है कि उनको एश्योर कर दें कि आपको एक टारगेट फिक्स कर दें कि आपको ये करना ही है, ये जो आप पाठ्यक्रम दिया है उस पाठ्यक्रम को तय समय पर पूरा करना ही है। हमारे यहाँ स्थिति ये है कि आज गवर्नमेंट स्कूल में टाइम पर कोर्स पूरा नहीं होता है, बच्चे प्राइवेट कोचिंग की तरफ जाते हैं, तो प्राइवेट कोचिंग पर जाने की उनको जरूरत ही नहीं पड़े ना। इसके लिए तो उन्हें अध्यापकों को ऐसे मॉनिटरिंग की जाए कि टाइम पर कोर्स कंप्लीट होकर उसका रिवीजन भी हो जी, और जब रिवीजन पूरा होगा निश्चित रूप से बच्चे को अचीवमेंट अच्छी मिलेगी। कमियां हैं उनको अलग से समझाया जाए, उनको टाइम मिलेगा तो वो जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी, और समय समय पर उनके टेस्ट वगैरह भी लिए जाएं, जैसे क्लास टेस्ट। प्राइवेट स्कूल के रिजल्ट क्यों अच्छे रहते हैं, वो समय समय पर वो प्रैक्टिस वो बनी रहती है, प्रैक्टिस बनी रहती है। चलिए अजमेर से राजेंद्र चौड़िया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए राजेंद्र जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके पास क्या फॉर्मूला है, टॉपर्स कैसे बना सकते हैं। नमस्ते। नमस्कार सर। दूसरी बात ये कि बच्चियां जितने जो बैठी हुई हैं टॉपर को भी जो हार्दिक मुबारकबाद, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अजमेर की जो है जैसे मेयर स्कूल है, मयूर स्कूल है, राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ है, उस जैसे राजस्थान सरकार जो है मतलब इनको कोशिश करनी चाहिए इससे कि राजस्थान के अंदर अच्छी स्कूलों में कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। अध्यापक में आज जो पाठ पढ़ा उसका दूसरे दिन कॉम्पिटिशन चलाया जाए तो रोज उत्साह बनेगा और बच्चे टॉपर बनेंगे, मुझे आशा है। चलिए स्कूल बेहतर होगी तो टॉपर्स भी बनेंगे। शुक्रिया आपका त्रिलोक जी। माहौल की कितनी जिम्मेदारी है और कैसे बदला जा सकता है माहौल? अश्विनी जी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि दो दो या तीन चीज़ें अगर हमें मिल जाएं तो राजकीय विद्यालयों की जो स्थिति आप जो दुर्दशा देख रहे हो इस मेरिट्स को लेकर या शैक्षिक माहौल को लेकर निश्चित रूप से इसमें बेतहाशा वृद्धि होगी। नंबर एक स्थिति है कि सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक हमसे गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाते हैं। यहाँ निजी शिक्षण संस्थाओं आप देखिए CBSE स्कूल वो भी गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ से उन लोगों से ये कोई भी काम नहीं किया करवाया जाता। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले आपके डिबेट्स में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय लाइव में थे हमारे साथ, तो वो BLA को कार्य एक इस तरह का कार्य जो सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक चलता रहता है, वहाँ ये कह रहे थे कि इसमें उन्हें अतिरिक्त इसका मजदूरी मिलती है, मेहनताना मिलता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये काम उनसे लगता है ये इंटरनल परेशानी डिस्कस करने की जरूरत है या फिर बच्चों के ऊपर कैसे फोकस किया जाए उस पर बेहतर तरीके से बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीचर्स मस्ट बी मोस्ट प्रेवेल टू द स्टूडेंट्स। इस निर्णय के बावजूद भी आपने अभी देखा था कि जो मई में एक इस तरह का निर्णय हुआ हाई कोर्ट में, एक टीचर्स ने जो है रिट दायर की थी उसे लेकर के उन्हें वो BLA के कार्य में लगा दिया गया और उनका तबादला कर दिया गया, तो ये कहा गया कि भाई इन सब्जेक्ट टीचर्स के जो हैं इनको नहीं लगाया जाए क्योंकि जब छात्र जो है आप शिक्षक को छोड़ नहीं रहे क्योंकि वो शिक्षण कार्य करें हाउस पॉसिबल कि इन परिस्थितियों में। मैं यहाँ अश्विनी जी कहना चाहता हूँ कि निजी शिक्षण संस्थाओं की बातें प्रसुद्धता को लेकर आमतौर से कही जाती रही हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे जो निजी शिक्षण संस्थाओं में अंदर रहते हैं ये बच्चे अगर हमें मिल जाएंगे तो क्वांटिटी जो आप देख रहे हैं इनमें क्वालिटी भी उसी रेशो से हम लोग देंगे, ये हम चैलेंज करते हैं, इसकी शुरुआत हम करेंगे एंड हम करेंगे। चलिए ये मैं मान लेता हूँ कि ठीक है बच्चे बेहतर होंगे तो और बेहतर परिणाम आप लोग दे सकेंगे, निजी स्कूल ऐसे करती है, लेकिन त्रिलोक जी की उस कैपेबिलिटी का क्या, जो त्रिलोक जी में क्षमता है उसका क्या? अब उसके लिए देखिए एक मैंने जिस विद्यालय में काम हुआ द्वारकापुरी विद्यालय है सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, मैंने यहाँ एज ए प्रिंसिपल भी वर्क किया था, उसके बावजूद भी जो परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों में 100% बोल्ड का रिजल्ट मैंने दिया, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मेरी मेरा पर्सनल जो लाइफ है वो होली स्नेच। मैं वही कह रहा हूँ तो कि पत्थर देखिए मूर्ति तो कहीं भी होगी और उसको पूज लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि पत्थर को गढ़कर मूर्ति कौन तैयार करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर इन्हीं परिस्थितियों में सरकार अगर गैर सरकारों से हमें मुक्त कर दे, ये टारगेट फिक्स है, मैं यहाँ पैर भी नहीं करना चाहता कि जो हमारे भाई बहन काम नहीं कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से काम करना चाहिए, हमारी जीविका आज कहीं चल रही है तो राज्य सरकार जो हमें पैसा दे रही है उससे हमारे परिवार पल रहा है, हमारा धर्म करता है बच्चे का भविष्य हमारे पास है, उस बच्चे के भविष्य के खिलवाड़ करने का कहीं भी हमें कोई अधिकार नहीं बनता, लेकिन माहौल तो हमें मिलना चाहिए। मैं उस बात को बार बार कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए हमें पढ़ाई टीचर्स अपने पर कितना माहौल बना सकते हैं ये बता दीजिए आप। तनाव मुक्त स्थिति में आप ये कोशिश कर रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ हु हैज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश, ही हैज रिटेन
टेंशन इज वर्स देन डेथ फॉर लिविंग ह्यूमन बीइंग। जिंदा आदमी के लिए अगर कोई मौत से बढ़के चीज, टीचर्स अपने एंड पर कितना माहौल बना सकते हैं? माहौल तो बना सकते हैं, पूरी तरह कैपेबल भी हैं और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं विद्यालय में, उन कार्यों की वजह से वो माहौल बना ही नहीं पाते हैं। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का लेटेस्ट निर्णय है कि मिड डे मील से टीचर्स को मुक्त किया जाए। प्राइमरी स्तर पर जब उसकी बेसिक कंप्लीट नहीं होगी स्टूडेंट की, तो वो मेरिट में नहीं आ पाएगा, उसमें वो जो क्वालिटी है वो नहीं बन पाएगी। और प्राइमरी एजुकेशन ही हमारा गर्त में जा रहा है आज, उसका मेन कारण है टीचर अन्य कार्यों में लगा रहता है। मिड डे मील जैसे कार्य में एक अध्यापक को आज अध्यापक नहीं बना करके एक रसोईया बना दिया गया है, उस स्थिति में आप कैसे, विद्यालय ढाबा बन गया सुनी, उसे शिक्षक उसमें लगा रहता है, तो स्टाफ की ये स्थिति है। तो ये बात है, मैं यहाँ कहना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, सरकार मिलाकर सिस्टम पर सोचना चाहिए। टॉपर्स बनाने के लिए जरूरी है कि टॉपर्स के लिए काम किया जाए, वो जिम्मेदारी शिक्षक के स्तर पर है, और वो शिक्षक कब कैसे तैयार कर पाएगा इसके लिए जरूरी है माहौल मिल जाए, और माहौल के लिए वक्त चाहिए। फिलहाल एक और ब्रेक, बने रहिए, चर्चा जारी। केंद्रीय विद्यालयों को सरकार ने सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं, उसी तरह से अगर राजस्थान के जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको भी राजस्थान सरकार सारी फैसिलिटी मुहैया करवाए, हर स्कूल में बच्चों के जो बराबरी में अगर टीचर्स भी वहाँ पे मुहैया करवाए और सारी फैसिलिटी अगर दे, स्कूल की बिल्डिंग शानदार हो, सार्वजनिक व्यवस्था सारी चीज़ें हों वहाँ पर, और स्कूल की बिल्डिंग पूरी कंप्लीट हो, सारी जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ वहाँ पर हों, तो इन सरकारी स्कूल का रिजल्ट भी CBSE की तरह केंद्रीय विद्यालयों में जो अच्छा रिजल्ट आया वैसा रिजल्ट सरकारी स्कूल में भी ला सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। माँ बाप तो ओनली एक माहौल दे सकते हैं बच्चे को, उसकी जो सुविधाएं उसको चाहिए वो उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, जो भी कुछ उनकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व तो ओनली उनके टीचर ही कर सकते हैं, माँ बाप उसकी को सॉल्व नहीं कर सकते।